चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम भजिया बनाने जा रहे हैं बेसन की। तो सबसे पहले हम बेसन का छान ले रहे हैं। बेसन का हमने छान लिया है। अब बेसन में हींग मिलाई है, थोड़ी जीरो डाल लिए हैं, एक चम्मच पिसी धनिया, चम्मच गरम मसाला, लाल पिसी मिर्च, स्वादानुसार नमक, हम अच्छे से मिला लिए हैं। हींग जीरो सब हमने मिला लिया है। अब थोड़ा हम सरसों का तेल डालें, तेल डाल कर मिला लिए। सरसों का तेल हमने मिला लिया है। अब पानी डाल कर माड़ लेंगे। अच्छे से माड़ लिए, ना ज़्यादा गीलो करनी है ना ज़्यादा टाइट करनी है। बेसन हमने मार डाला हुआ है, थोड़ा तेल लगाए हैं सरसों को। बेसन हमने मार डाला हुआ है, मशीन में सरसों का तेल लगा लिए हैं ताकि चिकन हो जाए, चपका ना बेसन। सरसों तेल हमने लगाया ना हुआ है। अब भजिया बनाए बोले हमने एक तवा ले लो, जो छोटे छोटे छेद हैं मैं सबसे पहले नीचे डाल लिए हैं। बेसन हम डाल लिए हैं और मशीन का लगा लिए हैं। मशीन में लगा लिए, अब बाल लिए चूल्हू, चूल्हू जला लिए, फिर हम बनाए हैं भजिया। चूल्हू हम पन्नी से जला लिए, पन्नी से बहुत बढ़िया चूल्हू जला था। फिर हम आगे लगा और हम करैया रख लिए हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख ली है। अब हम सरसों का तेल डाल लिए हैं। तेल गर्म है वो है। अब हम सेव को निकाल लिए हैं मशीन से, घुमा घुमा के अच्छी तरीके से निकाल लिए हैं। सेव हल्की हल्की सुनहरी हो जान दे हमें, लगभग 2 मिनट में ना पलट लें। सेव हमने सेक लेंगे, बहुत बढ़िया कलर आएगा वो है। इन्हें अब हम निकाल लिए। थोड़ा बेसन बचा हुआ है तो हम दोबारा ही डाल लिए सेव। एक लंगा सेक गई है, पलट लिए दोबारा। सेव बनकर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हम निकाल लिए हैं। अच्छे सेव बन गए हैं। आप इनके चार संगे खा सकते, बहुत बढ़िया लगा चार संगे। और सेव भाजी सब्जी भी बना सकते हैं, तो कितने बढ़िया बना, बहुत अच्छे टूट रहे हैं, बहुत अच्छे टूट रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में।